सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सर अब्दुल सत्तार खान एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। हमारे इस वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आपको पिछले ग्रामर की वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सिंपल पास्ट टेंस का इंग्लिश ग्रामर का वीडियो है। पहले देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। व्हाट इज़ अ पास्ट टेंस? अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन डैट हैज़ हैपन्ड अर्लियर और अ स्टेट डैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड इज कॉल्ड एज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? एक ऐसी हालत जो इससे पहले गुजर चुकी है, यानी इससे पहले कोई हरकत हुई थी, हो चुकी है, जो यानी हो इससे पहले कुछ वक्त पहले ऐसी हो गई, तो ऐसी हरकत के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस, यानी ज़माने माजी, यानी भूतकाल। अब ये कितने काइंड्स के पास्ट टेंस होते हैं? फोर काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस आर देयर। पहला क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद क्या है? पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे, अफर्मेटिव के सेंटेंस बनते कैसे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? फार्मूला ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई सॉ अ बर्ड, अब इसमें सेकंड फॉर्म क्या है? सॉ। वी प्लेड फुटबॉल, प्लेड सेकंड फॉर्म है। यू विजिटेड देम समटाइम्स, फार्मर किल्ड द लेपर्ड, सीमा का केम होम यस्टरडे। तो सॉ, प्लेड, विजिटेड, किल्ड, केम, ये क्या है? वी टू वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आई सॉ बर्ड, मैंने एक परिंदा देखा। वी प्लेड फुटबॉल, हमने फुटबॉल खेला। यू विजिटेड देम समटाइम्स, आप कई कुछ वक्त पहले उनके पास जाकर आए। फार्मर किल्ड द लेपर्ड, और किसान ने तेंदुए को यानी चीते को मारा। सीमा केम होम यस्टरडे, सीमा गुज़िश्ता रोज़ घर आई। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव कैसे बनेगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है अगर नॉट लगाना है तो। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या, फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। I did not see a bird, we did not play football, you did not disturb him, Seema did not come yesterday, farmer did not kill the leopard. अब अगर did plus see लगाएंगे तो saw बनता है, तो इसलिए did और see लिखा है second form बनाने के लिए। तो ये इस तरीके से आपका simple past tense बनता है। मैंने एक परिंदा नहीं देखा, हमने football नहीं खेला, तुम मुझे परेशान ना करो, disturb ना करो। सीमा कल नहीं आई। फार्मर डिड नॉट किल द लेपर्ड, यानी किसान ने चीते को नहीं मारा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा? स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रोग्रेसिव टेंस, ये कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का आई एन जी फॉर्म यूज होता है, जैसे कि गोइंग, कमिंग, रीडिंग, प्लेइंग, रनिंग। I was going to school, he was coming from the market, Sana was reading a book, children were playing game of chess, we were running on the ground. यानी I was going to school, मैं स्कूल जा रहा था, he was coming from the market, वो मार्केट से आ रहा था, Sana was reading a book, Sana बुक पढ़ रही थी, children were playing game of chess, बच्चे गेम ऑफ चेस खेल रहे थे, we were running on the ground, हम ग्राउंड पर दौड़ रहे थे। अब इसका निगेटिव कैसा बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का? स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आई एन जी फॉर्म में इससे पहले आपको नॉट लगाना है तो आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से नहीं आ रहा था। सना वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, सना किताब नहीं पढ़ रही थी। चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग गेम ऑफ चेस, बच्चे गेम ऑफ चेस नहीं खेल रहे थे। वी वर नॉट रनिंग ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड पर नहीं दौड़ रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में? इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री। ये वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है, वी थ्री और ऑब्जेक्ट। अब इसमें आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका। वी हैड मेड मेनी मिस्टेक्स इन द लेटर, हम ख़त में बहुत सारे ज़्यादा गलतियाँ कर चुके थे। चाइल्ड हैड फॉलन फ्राम द स्टेयरकेस, बच्चा स्टेयरकेस से गिर चुका था। रवीना हैड कम यस्टरडे, रवीना गुज़िश्ता रोज़ आ चुकी थी। दे हैड इनवाइटेड हिम एट होम। इसमें हैड यूज़ होगा सब जगह हेल्पिंग वर्ब, और जैसे कि फिनिश्ड, मेड, फालन, कम, इनवाइटेड, ये क्या है? वी थ्री है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है।
पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब और वी थ्री के बीच में नॉट लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? सब में यहाँ पर हैड यूज़ होगा। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क ख़त्म नहीं कर चुका था। वी हैड नॉट मेड मैनी मिस्टेक्स इन द लेटर, हमने ख़त में ज़्यादा गलतियाँ नहीं की कर चुके थे। चाइल्ड हैड नॉट फॉलन फ्राम द स्टेयर केस, बच्चा सीढ़ियों से नहीं गिर चुका था। रवीना हैड नॉट कम यस्टरडे, रवीना गुज़िश्ता रोज़ नहीं आ चुकी थी। दे हैड नॉट इन्वाइटेड हिम एट होम, और वो उसे घर पर नहीं बुला चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव कैसा बनेगा? इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस में आईएनजी फॉर्म लाजिमन लगेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैड बीन लगेगा इसके साथ में। ही हैड बीन टेकिंग पार्ट इन द गेम सिंस 8th स्टैंडर्ड, शी हैड बीन कुकिंग मील्स, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट द होल डे, रोमा हैड बीन डांसिंग, ही हैड बीन कलेक्टिंग द मनी फॉर पुअर फॉर 2 years। अब इसका मतलब क्या है? ही हैड बीन टेकिंग पार्ट इन द गेम सिंस 8th स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या बनेगा? वो गुज़िश्ता 8वीं जमात से गेम्स में हिस्सा लेता रहा था, यानी पार्ट लेता रहा था। शी हैड बीन कुकिंग मील्स, और वो खाना बनाती रही थी। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट द होल डे, और वो पूरा दिन भर क्रिकेट खेलते रहे थे। रोमा हैड बीन डांसिंग, रोमा रक्स यानी नाचती रही थी। ही हैड बीन कलेक्टिंग द मनी फॉर पुअर फॉर 2 years, और वो गरीबों के लिए मनी कलेक्ट करते रहा था गुज़िश्ता 2 साल से। चलिए एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनाएंगे। इसका भी सेम वो है, फार्मूला है, सिर्फ नॉट लगता है बीच में। ही हैड नॉट बीन टेकिंग पार्ट इन द गेम सिंस 8th स्टैंडर्ड। अब यहाँ हैड नॉट और बाद में बीन टेकिंग। शी हैड नॉट बीन कुकिंग मील्स, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट द होल डे, रोमा हैड नॉट बीन डांसिंग, ही हैड नॉट बीन कलेक्टिंग द मनी फॉर पुअर फॉर 2 years। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनेगा। चलिए एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस देखेंगे। इसमें आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है और कमेंट में लिखना है। द सन हैड राइजन बिफोर आई रीच्ड होम, सलमान खान हैड बोरोड 2000 rupees फ्रॉम माई फ्रेंड, सरिता हैड बीन टेकिंग पार्ट इन द एक्टिविटीज, राधा हैड बीन डांसिंग भरतनाट्यम फॉर 3 hours, इट वॉज रेनिंग हेवीली इन द मॉर्निंग, रमीज एंड तमीज ऑफन क्वारल्ड अमंग्स देमसेल्व्स, सुल्तान शोड मी हिज क्लोथ्स, नैना वॉज ईटिंग द स्नैक्स, सुनैना वॉज रीडिंग स्टोरी बुक्स, शर्मिला हैड कन्फेस्ड हर गिल्ट। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।